तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा नौवीं का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा नौवीं का त्रैमासिक परीक्षा दोस्तों विज्ञान विषय का किस प्रकार का आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे और आप सबको दोस्तों इसकी तैयारी किस प्रकार से कर लेनी है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि दोस्तों आपका त्रैमासिक परीक्षा कक्षा नौवीं का विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर आपका किस प्रकार का आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे और इन सबकी तैयारी आपको किस प्रकार से कर लेनी चाहिए। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा नौवीं का विज्ञान का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से परीक्षाओं में से पूछे जाएंगे और इन सबकी तैयारी आपको किस प्रकार से कर लेनी चाहिए। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि दोस्तों आपका विज्ञान का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का होगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से परीक्षाओं में आपके दिए जाएंगे और किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर होगा। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए आप सभी को आगे बढ़ें उससे पहले रहिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। तो चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी कक्षा नौवीं का विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी आपको किस प्रकार से कर लेनी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा आपका विज्ञान विषय का, उसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में सफलतापूर्वक समझाया है। क्या समझाया दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो देखिएगा, इसने समझाया दोस्तों गुणित अनुपात का नियम। क्या ना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, ये वाला आप लोग लगा लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता होती है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो जो लिखा गया है इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ये आ जाएगा। और उसी के अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीन लिखा गया है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर दोस्तों आपका आ नंबर का आ जाएगा। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा गया है क्वेश्चन नंबर चार, तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर आपका द नंबर का आ जाएगा, आप लोग यहाँ से चिन्ह लगा लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर पाँच, तो देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर पाँच का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा आप लोग यहाँ से इसको पढ़ रहे हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ से दोस्तों आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। पदार्थ अवस्थाओं में पाया जाता है, कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है दोस्तों? तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, बर्फ जल और जलवाष्प के गुण के समान होते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा रासायनिक। इस जगह पर आपको क्या लिख लेना दोस्तों? रासायनिक आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसी के अलावा चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसके बाद में आप लोग यहां से देख पा रहे हो, ये क्वेश्चन दिया जाएगा, ठोस अवस्था का अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? देखिएगा दोस्तों, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या लिख लोगे आप दोस्तों? ऊर्ध्वपातन आप लोग यहां से लिख लेंगे। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, कक्ष ताप पर एक द्रव के वाष्पन से प्रभाव होता है। देखिएगा चौथे नंबर का क्वेश्चन जो लिखा गया है उसमें दोस्तों आपको लिख लेना शीतलन। क्या लिख लोगे दोस्तों आप लोग इस जगह से? शीतलन। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर पाँच को आप पढ़ सकते हो, कोलाइड मिश्रण है। कोलाइड किस प्रकार का मिश्रण है दोस्तों? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आप लोग लिख लेंगे विषमांगी। किस प्रकार का मिश्रण है दोस्तों? कोलाइड विषमांगी मिश्रण है, आप लोग इस जगह से नोट कर लेंगे। उसी के अलावा दोस्तों आगे आपसे सही जोड़ी पूछी जाएगी, आप सब लोग दोस्तों यहाँ से सही जोड़ी का मिलान देख लें। देखिएगा पहले नंबर पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी जोड़ी का मिलान दोस्तों आपका इससे हो जाएगा, और दूसरे नंबर की जोड़ी का मिलान दोस्तों आपका चौथे से हो जाएगा, और इसके अलावा दोस्तों तीसरे नंबर की जोड़ी का मिलान सात नंबर की का आपका पाँचवें नंबर से हो जाएगा, और इसके अलावा दोस्तों दा नंबर की जोड़ी का मिलान दोस्तों आपका इससे हो जाएगा, और उसी के अलावा दोस्तों दा के बाद में ई नंबर की जोड़ी का मिलान आपको इस प्रकार से कर लेना है। देखिएगा दोस्तों, पूरा का पूरा जोड़ी मिलान मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में लिखिए। यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, पहला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा कोशिका अंग कोशिका की अधिकांश गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है? तो देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा केंद्रक। यहाँ से आप लोग क्या लिख लोगे? केंद्रक। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा छह रोग के लिए लगाया जाता है, छह आप लोग लिख लेंगे। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन,
देखिएगा व्यावसायिक रूप से तैयार पादप पोषक क्या कहलाते हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा गया है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उर्वरक। क्या कहा जाता है दोस्तों इनको? उर्वरक इनको कहा जाता है। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन बल का एसआई मात्रक लिखिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा गया है तो इसमें आपको लिख लेना दोस्तों न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या दोस्तों? न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी के अलावा संकरण का अर्थ बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा गया है इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अनुवांशिक रूप से दो समान पादों के बीच क्रॉसिंग कराना संकरण कहलाता है। तो देखिएगा दोस्तों इसके अलावा आप आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों कक्षा 9वीं में आपको ये सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे जैसा कि मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं। आप सब लोग दोस्तों यहाँ से इन क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का आएगा। खासकर दोस्तों आप लोग इस वाले क्वेश्चन को जरूर याद कर लेंगे, शक्ति क्या है, और उसी के अलावा यहाँ से आप लोग देख सकते हो ऊर्जा क्या है, इसका मात्रक लिखिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और इसके अलावा कोक किसे कहते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षाओं में 101% दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आगे क्वेश्चन दिए गए कंडरा एवं स्नायु में अंतर, हृदय पेशी के लक्षण आपको बताने हैं और आगे क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिएगा आगे आप लोग देख सकते हो यहाँ से ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, और ये वाले क्वेश्चन आप सब लोग यहाँ से देख लेंगे। आगे क्वेश्चन दिए गए हैं पूरे के पूरे, आप लोग यहाँ से इनको देखते चलें। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर देखा जाए तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन नंबर आपसे इस प्रकार का प्रयोग पूछा जाएगा। देखिएगा पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए। इसके अलावा ये वाले क्वेश्चन आप सब लोग दोस्तों यहां से इनको नोट कर लेंगे। ए टू जेड क्वेश्चन दोस्तों आपके पेपर में इसी प्रकार के आएंगे जैसा कि दोस्तों मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। तो इसलिए आप सभी लोग दोस्तों यहां से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ये दिए गए हैं, 20वें नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया। तो देखिएगा दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।